जय हिंद साथियों, सभी का स्वागत है। आज हम लोग आपके साथ मिलकर जीएसजी के विविध की सीरीज में 50 महत्वपूर्ण प्रश्न कर रहे हैं। ये जीएसजी के विविध के वो 50 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं, जहां सबके परीक्षा में सीधे सीधे सवाल आते हैं। ये एनसीईआरटी के हिसाब से सारे प्रश्न हैं। अगर आपने एनसीईआरटी को पूरा पढ़ लिया होगा 6 से लेकर 12 तक के, तो उस एनसीईआरटी से बाहर से सवाल आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन स्टैटिक जीएसजी के भी इसके अंतर्गत आपको मिल जाएगा। मैंने इतिहास, भूगोल, संविधान, तीनों विज्ञान, विविध, वो सभी तथ्यों को मिलाकर यहाँ पे बनाया गया है। पहला सवाल आपके सामने है, कौन सा सहायक संधि की विशेषता नहीं है? ध्यान से पढ़िएगा, प्रश्न के जवाब लोग दे लेंगे। देशी रियासतों को एक ब्रिटिश रेजिमेंट में रखना होता है। देशी रियासतों की आंतरिक शासन कंपनी के अधीन होगी। देशी रियासतों की विदेश नीति कंपनी के अधीन होगी। कंपनी की सेना का खर्च रियासत उठाएगी। जी हाँ, अगर प्रश्न नंबर 1 की बात करें, यहाँ पर इस प्रश्न का सबसे सही उत्तर जो है वो होगा, देशी रियासतों की ब्रिटिश रेजिमेंट रखना होगा, ये सही है। देशी रियासतों की आंतरिक शासन कंपनी का अधीन होगी, ये गलत है। देशी रियासतों की विदेश नीति कंपनी का अधीन होगी, ये भी सही है। कंपनी की सेना खर्च रियासत उठाएगी, तो यहाँ पर जो गलत है वही आपका यहाँ पर सही है, लेकिन पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। जी हाँ, आप सभी लोग इस वीडियो को फटाफट अंदाज में शेयर करिएगा, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं या पढ़ रहे हैं। जरा कंफर्म करिएगा कि मेरी आवाज़ साफ आ रही है, नहीं वीडियो साफ चल रहा अथवा नहीं। अगला सवाल आपके सामने है, निम्न में से किस समाचार पत्र पर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई? पाइनियर, भारत मिहिर, बंगाली, इसमें से कोई नहीं। तो जितने भी साथी हमारे पास साथ इस वीडियो सेशन को पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, वे सभी साथी कमेंट सेक्शन में जाएंगे और कमेंट करके इन सभी प्रश्नों का जवाब जरूर देंगे। जी हाँ, सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा, जो है इसे फेसबुक पे देख रहे हैं, चाहे इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं। अगर प्रश्न नंबर 2 की बात करें, तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर होगा भारत मिहिर। मतलब सवाल का सही उत्तर क्या होगा भी, आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट भी करते चलिएगा। इंडिपेंडेंस नामक समाचार पत्र किसके द्वारा प्रकाशित या संपादित किया गया था? के एम पड़ेकर, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। सभी लोग कमेंट करें, क्योंकि वो प्रश्न है जहाँ सबके परीक्षा में सीधे सवाल आते हैं। जी हाँ, यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर होगा मोतीलाल नेहरू। मतलब बी वालों के जवाब यहाँ पर सही है। हम बढ़ रहे हैं फिर से नए सवाल, नए प्रश्न की तरफ। अगला है, बाल हत्या प्रथा किस प्रेसिडेंसी में अधिक थी? मद्रास, मुंबई, बंगाल। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जवाब जरूर दें और कोशिश करें इस वीडियो को अपने सभी मित्रों तक शेयर कर दें, अपने सभी मित्रों तक पहुंचा दें। सभी लोग जवाब दीजिएगा, बाल हत्या प्रथा किस प्रेसिडेंसी में अधिक थी? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, यूनिक प्रश्न है, क्योंकि यहाँ से परीक्षाओं में सीधे सवाल आते हैं। तो हम चाहेंगे ऐसे सभी प्रश्नों को आप जवाब दें, कॉमेंट करें। सभी साथी जितने भी लोग इस वीडियो को पढ़ रहे हैं, जी हाँ, अगर प्रश्न नंबर 4 की बात करें, तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर हो गया बंगाल में। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, एकदम सिलेक्शन वाले टॉपिक और सिलेक्शन वाले सवाल है। अगला है, रेशमी रुमाल षड्यंत्र किससे संबंधित था? मौलवी अब्दुल्ला, मौलवी अब्दुल्ला सिंधी, मौलाना बशीर, खुदा बख्शिंग। ये सब आपको टॉपिक ईलर्निंग विद दुर्गेश के नोट्स में मिल जाएगी। अगर आप सभी ने ईलर्निंग विद दुर्गेश के नोट्स को पढ़ा होगा, उम्मीद करते हैं यहाँ से सारे जो कॉन्सेप्ट है ना, वो आपके एक एक करके क्लियर जरूर हो जाएंगे। बताइए सब लोग फटाफट कमेंट करके, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। सभी साथी, जी हाँ, एकदम सही आप लोगों ने बताया है। इस प्रश्न की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर होगा वो क्या होगा, ये होगा मौलवी अब्दुल्ला सिंधी, अर्थात सवाल का बी होगा। असहयोग आंदोलन के लिए प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया था? मुंबई अधिवेशन, कानपुर अधिवेशन, नागपुर अधिवेशन, कोलकाता अधिवेशन। तो जितने भी साथी इस वीडियो को हमारे साथ पढ़ रहे हैं, जितने भी साथी हमारे साथ वीडियो को देख रहे हैं, वे सभी साथी कमेंट सेक्शन में जाएंगे और कमेंट करके जवाब जरूर देंगे, क्योंकि सीरीज काफी अहम, काफी महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 6 की बात करें, तो यह होगा नागपुर अधिवेशन। यहाँ पर होगा नागपुर अधिवेशन। जी हाँ, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, फटाफट शेयर कर दें। अभी शेयर नहीं होगा वीडियो, लेकिन अब आपके पास शेयर हो रही होगी, तो आप लोग वीडियो को शेयर जरूर कर देगा अपने सभी मित्रों तक। सभी लोग जवाब दीजिएगा फटाफट। जी हाँ, प्रश्न नंबर 6 की बात करें, यहाँ पर होगा नागपुर अधिवेशन। निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है? यहाँ पर इस प्रश्न को जो कहा है सही नहीं है, इस प्रश्न को ध्यान से पढ़ेगा। अगर प्रश्न ध्यान से पढ़ेंगे तभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तभी आप ऐसे प्रश्नों को हल कर पाएंगे, तभी ऐसे प्रश्नों को जवाब दे पाएंगे। तो जितने भी साथी इस वीडियो को पढ़ रहे हैं, जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, वे कॉमेंट सेक्शन में जाएंगे और कॉमेंट करके जवाब जरूर देंगे। ये एक बंद तंत्र होता है, इसकी अपनी उत्पादकता होती है, ये एक प्राकृतिक संसाधन तंत्र होता है, ये कार्यशील इकाई होती है। हम चाहेंगे प्रश्न नंबर 7 का जवाब आप सभी साथी दीजिएगा, जितने भी साथी हमारे साथ पढ़ रहे हैं। जी, अगर प्रश्न नंबर 7 की बात करें, तो यहाँ पर यह एक खुला तंत्र होता है।
ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। इसका मतलब जो गलत है वही आपका सही है, क्योंकि यहाँ पर पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी के जवाब पूरी तरह सही होंगे, अपने जवाब से भी आप संतुष्ट होंगे। फिर भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई सवाल हो, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछिएगा। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा प्रसिद्ध जैविक हॉटस्पॉट है? सुंदरवन, थार का मरुस्थल, लद्दाख, पश्चिमी घाट। प्रसिद्ध जैविक हॉटस्पॉट जवाब सभी लोग दीजिएगा, जितने भी साथी हमारे साथ पढ़ रहे हैं, जितने भी साथी इस वीडियो को यहाँ पर देख रहे हैं, सभी लोग जवाब दीजिए फटाफट कमेंट करके। जी अगर प्रश्न नंबर 8 की बात करते हैं, इस प्रश्न का उत्तर होगा पश्चिमी घाट। मोस्ट टाइम पे सवाल है और सबसे ज्यादा परीक्षा में पूछा जाता है, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल है। किस चक्र के संचालन में सौर विकिरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? सभी साथी जवाब देंगे, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जितने भी लोग इस वीडियो को हमारे साथ समझ रहे हैं, सभी साथी जवाब दीजिएगा फटाफट कमेंट करके। जी हाँ, क्योंकि अब की बार हर हाल में एक सीट हमारा, सिलेक्शन के लिए तैयारी कर रहे हैं तो जवाब भी देते रहिए ना। जी हाँ, अगर हम बात करें प्रश्न नंबर 9 की, तो इस प्रश्न का उत्तर होगा जल चक्र में। अब बताइए कार्बन चक्र, नाइट्रोजन चक्र, हाइड्रोजन, लेकिन इसमें सौर विकिरण की महत्वपूर्ण भूमिका होगी, तो आपको समझ में आ गया होगा। हाँ सर, ये तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो आपके सामने है। ठीक है, तो चलिए हम फिर से चलते हैं एक नए सेशन की तरफ, एक नए प्रश्न बैंक की तरफ, जो जो करके जहां से परीक्षाओं में सवाल पूछे जाते हैं। हम पढ़ते हैं फिर से, इस प्रश्न का उत्तर होगा बी। अगला सवाल आपके सामने है। गौतम बुद्ध ने संघ में भिक्षुणी स्त्री की प्रवेश की अनुमति कहाँ दी? वैशाली, श्रावस्ती, राजगिरी, पावापुरी। तो सभी साथी जवाब देंगे, जितने भी लोग हमारे साथ सेशन में पढ़ रहे हैं। गौतम बुद्ध ने संघ में भिक्षुणी स्त्री की प्रवेश की अनुमति कहाँ पर दी थी? ऐसे प्रश्न आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और यहाँ से आपके परीक्षाओं में सवाल भी पूछे जाते हैं। तो सभी लोग जवाब दीजिएगा, जितने भी साथी इस वीडियो को पढ़ रहे हैं, जितने भी साथी इस वीडियो को हमारे साथ देख रहे हैं। जी हाँ, यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर सभी लोगों ने सही दिया है, वैशाली में। उस स्त्री का नाम क्या था जरा कमेंट करके बताइएगा, स्त्री का नाम क्या था कमेंट बॉक्स में जाइएगा और कमेंट करके बताइएगा, चाहे इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं, चाहे इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं। ठीक है, सभी बताइए। ठीक, हम चलते हैं फिर से नए सवाल, नए प्रश्न की तरफ, जो आपके सामने परीक्षा वाले हैं। भारत के किस क्षेत्र में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? पूर्वी घाट, अंडमान द्वीप, मरुस्थली क्षेत्र, लद्दाख। तो प्रश्न नंबर 11 का जवाब वह सभी साथी देंगे, जितने भी साथी इस वीडियो को हम लोग इस सेशन में पढ़ने जा रहे हैं या जितने भी लोग इस सेशन में हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं। तो फटाफट कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट करके जवाब जरूर दीजिएगा, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। जी हाँ, अगर प्रश्न नंबर 11 की बात करें, तो यहाँ पर इस प्रश्न का सबसे सही उत्तर होगा मरुस्थली क्षेत्र। दैनिक तापमान कहाँ पर होगा? मरुस्थली क्षेत्र में। एकदम सही आप लोगों ने जवाब दिया है। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि 3 जनवरी को उपसौर घटना होती है। ध्यान दीजिएगा, 3 जनवरी को उपसौर होती है और 4 जुलाई को अपसौर होता है। क्या होता है? अपसौर होता है। तो यहां भी काफी ठीक है चीजें आपके लिए है जो इंपॉर्टेंट है, जहां से आपके परीक्षाओं में सवाल आते हैं। ठीक, तो आप सभी साथी जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, वे सभी साथी इस सेशन में जवाब जरूर देंगे, कोशिश करिएगा। ठीक है, सभी साथी फटाफट कमेंट करिएगा, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे वीडियो को फेसबुक पे, चाहे यूट्यूब पर, जहां भी देख रहे हैं, क्योंकि काफी महत्वपूर्ण सेशन है आप सभी के लिए। हम बढ़ रहे हैं फिर से नए प्रश्न, नए सवाल की तरफ। अगला है आपके तरफ, लेकिन प्रश्न नंबर 12 का जवाब आप लोगों ने एकदम सही दिया है। यहाँ पर होगा, इस दिन पृथ्वी सूर्य की दूरी सबसे न्यूनतम होती है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर होगा सी। जब हम वर्ल्ड ज्योग्राफी विश्व भूगोल की सीरीज में मैंने इस टॉपिक को अच्छे तरह से समझाया है क्यों और कैसे होता है। जल्दी आपके लिए एनसीईआरटी सेशन शुरू होने वाली, उस सेशन में भी इसको और अच्छी तरह से समझा के आपको बता दिया जाएगा। हम बढ़ रहे फिर से नए प्रश्न की तरफ, आपके सामने है। कौन सी भूकंप तरंगे सबसे अधिक विनाशकारी होती हैं? पी तरंगे, ठीक है, यस तरंगे, एल तरंगे, इसमें से कोई नहीं। ठीक है, आप लोग जरा फटाफट कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट करके बताइएगा। जी हाँ, इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ये होगा सी, यल तरंगे। इसे लैंड वेब के नाम से भी जानते हैं, इसे लव वेब भी कहते हैं, वैसे लैंड धरातलीय तरंगे कहलाती हैं। जी हाँ, इसे कुछ लोग लव वेब्स कहते हैं, लेकिन वास्तव में इसका जो सही नाम है वो लैंड वेब्स है, मतलब धरातलीय तरंगे ये कहलाती हैं। कौन सा सही सुमेलित है? रेड क्लिफ भारत और चीन, डोरन रेखा भारत और पाकिस्तान, मैगिनॉट रेखा फ्रांस और जर्मनी, हिडन रिवर रेखा फ्रांस और बेल्जियम। ये ज्योग्राफी का सवाल है और उम्मीद करते हैं सभी लोग जवाब देंगे, ये कौन सही सुमेलित है। तो यहाँ पर है मैगिनॉट रेखा फ्रांस और जर्मनी, यही आपका यहाँ पर सही है। जो अच्छे से पढ़ा होगा, जिसने
नोट्स अच्छे से पढ़ा होगा, जिन्होंने किताबें अच्छे से पढ़ी होगी, वो इन सारे प्रश्नों के जवाब आसानी से दे लेंगे। हम बढ़ते हैं फिर से नए सवाल नए प्रश्न की तरफ। अगला आपके सामने, कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है? हिमालय, रॉकी, अल्पस, एंडीज। तो जितने भी साथी हमारे साथ सेशन को पढ़ रहे हैं वे सभी कमेंट बॉक्स में जाएंगे, कमेंट कर देंगे निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है। जी हाँ, अगर प्रश्न नंबर 15 की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न आता है, ये एंडीज पर्वतमाला है। अगर एंडीज पर्वतमाला सवाल आता भी है कहां पर है, सबसे पहला सवाल आपके मन में आ जाएगा सर एंडीज पर्वतमाला है कहां पर। तो जी हाँ, एंडीज पर्वतमाला के बारे में बता दीजिए, ये किस देश में है, ठीक है, किस महाद्वीप में है, अल्पस किस महाद्वीप में है, हिमालय आप जानते हैं, किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया, ठीक है। अच्छा, रेडक्लिफ और मैकमोहन, देखिए हेमंत जी, मैं आपका एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं, किस देश का नाम सुनते ही आपकी आंखें लाल हो जाती हैं, आपके कौन से पड़ोसी देश है, ठीक है, कमेंट करके बताइएगा। किस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग किया गया था, प्रश्न नंबर 16 की बात करें तो भारत शासन अधिनियम 1919, ये काफी इंपॉर्टेंट काफी यूनिक है आप सभी के लिए, ठीक है। तो आप कहेंगे सर पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान का नाम सुनते ही आपकी आंखें लाल हो जाती है, तो जो रेड क्लिफ रेखा है वो भारत और पाकिस्तान के बीच है। आप लोग वीडियो को फटाफट शेयर कर दीजिएगा, अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक करके रखिएगा। हम बढ़ते हैं फिर से नए सवाल की तरफ, अगले प्रश्न की तरफ। अगला आपके सामने, किस योजना के आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ था? कैबिनेट मिशन योजना, क्रिप्स मिशन, ली कमीशन, हंटर मिशन। तो प्रश्न नंबर 17 जवाब आप लोग जरूर दीजिएगा, उम्मीद करते हैं अभी कभी नहीं भूलेंगे किसके बीच रेड क्लिफ है। जी हाँ, अगर प्रश्न नंबर 17 की बात करते हैं, इस प्रश्न का उत्तर होगा कैबिनेट मिशन 1946, मतलब इस सवाल का सही उत्तर होगा ए। अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा कब की गई थी? 22 अगस्त 1946, 24 अगस्त 1946, 15 अगस्त 1946, 7 जुलाई 1946। सभी लोग जवाब दीजिएगा जितने भी साथी इस वीडियो को फेसबुक और यूट्यूब पर लाइव पढ़ रहे हैं। जी, अगर प्रश्न नंबर 18 की बात करें, यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर होगा 24 अगस्त 1946, अंतरिम सरकार गठन की घोषणा 24 अगस्त 1946 को की गई, तो बी वालों के जवाब यहाँ पर सही है। हम बढ़ रहे हैं फिर से नए सवाल नए प्रश्न की तरफ। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? दो कथन है, आजकल कूट वाले सवाल बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाते, ट्रेंडिंग में है ही हो गए हैं। अगर प्रश्न नंबर 19 की बात करें तो यहाँ पर होगा कि जब राष्ट्रपति शासन लागू हो तो संसद को संबंधित राज्य के लिए राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है, सही बात। राष्ट्रपति शासन के उपरांत भी संसद द्वारा बनाए गए कानून प्रभावी रहते हैं, यह भी सही है। यहाँ पर एक और दो दोनों सही, इसलिए जिन लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर सी बताया है उन सबके जवाब सही है, ठीक है। हम बढ़ रहे हैं फिर से नए सवाल नए प्रश्न की तरफ। अगला है, अनुच्छेद 54 का संबंध है। अच्छा, मेरा सवाल आप सभी से एक छोटा सा सवाल है, उम्मीद करते हैं अनुच्छेद 52 क्या है, ठीक है, अनुच्छेद 53 क्या है, यह राष्ट्रपति से जुड़ा हुआ सवाल है, ठीक। जहां उपराष्ट्रपति है उसे काट लीजिए, काट दीजिए। अब राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति की पदावधि, राष्ट्रपति के शपथ। अगर हम प्रश्न नंबर 20 की बात करें तो यहां पर क्या होगा, राष्ट्रपति का निर्वाचन, ए वालों के जवाब यहां पर सही। अगर आपने इस प्रश्न का उत्तर ए बताया है तो आपका जवाब सही है। हम बढ़ रहे फिर से नए सवाल की तरफ, कौन से कथन गलत है, मैंने इसमें 3 सही है और 1 गलत है, उसी गलत कथन की पहचान आपको यहां पर करनी है। जी हां सभी लोग देखिए, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य व अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा होती है, सही है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य कार्यकाल के बाद पुनः नियुक्त नहीं किया जा सकता, सही है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्यों के वेतन या भत्ता राज्य के संचित निधि से दिया जाता है, जबकि पेंशन भारत के संचित निधि से दिया जाता है, ये गलत है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य व अध्यक्ष को उसके पद से हटाने की शक्ति राज्यपाल के पास नहीं है, ठीक है, राज्य लोक सेवा आयोग के, जी यहाँ भी सही है। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर अगर हम बात करें प्रश्न नंबर 21 का, तो यहाँ पर जो गलत है वही आपका सही है, अगर आपने इस प्रश्न का उत्तर सी बताया है, जिसका जवाब पूरी तरह से सही है। जरा आप लोग कमेंट करिए कि क्या आप लोग को समझ में आ गया, क्योंकि इसकी थ्योरी भी हमने पढ़ाई और आगे भी थ्योरी हम इसकी पढ़ाने वाले हैं, जिसकी वीडियो आपको ई लर्निंग विद दुर्गेश के ऐप पर पूरा कंप्लीट सब्जेक्ट के हिसाब से मिल जाएगा डे बाई डे। अगला आपके सामने, वित्त आयोग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष पद व 2 सदस्य होते हैं, इनका कार्यकाल राष्ट्रपति के आदेश के तहत तय होता है, इनकी पुनर्नियुक्ति नहीं हो सकती, प्रश्न नंबर 22 का जवाब सभी लोग दीजिएगा। देखिए, वित्त आयोग एक अध्यक्ष पद व मतलब वित्त आयोग में एक अध्यक्ष पद व 2 सदस्य होते हैं, इसका कार्यकाल राष्ट्रपति के आदेश के तहत तय होता है, ये गलत है, इनकी पुनर्नियुक्ति नहीं हो सकती, ये सही। मतलब इसका 1 और 3 की अगर हम बात करें तो प्रश्न नंबर 22 में आपका हो जाएगा बी। हम बढ़ते हैं फिर से नए सवाल की तरफ।
अगला है, कौन आरबीआई की मौद्रिक नीति के मात्रात्मक उपकरण है? आरबीआई कौन मात्रात्मक उपकरण है? वैधानिक तरलता अनुपात, नकद अरक्षित अनुपात, खुले बाजार की क्रियाएं। अगर हम प्रश्न नंबर 23 की बात करें तो यहां पर प्रश्न का उत्तर होगा कि वैधानिक तरलता अनुपात, नकद अरक्षित अनुपात, खुले बाजार की अनुक्रिया, 1, 2 और 3। ठीक है, इसमें बैंक रेट होता है, रेपो रेट होता है, रिवर्स रेपो रेट होता है, सीआरआर होता है, एसएलआर होता है। ठीक, तो यहां पर मैं सवाल पूछूंगा, ठीक है, एसएलआर, एसएलआर का फुल फॉर्म क्या होता है, कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का मुख्य उद्देश्य है, देखिए सभी लोग डेली क्लास के लिए टेलीग्राम पर दुर्गेशर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश से जुड़ जाइएगा। यहाँ पर हम जो आप प्रश्न देख रहे हैं, ये जो सवाल आपके सामने है, ये सारे सवाल, जी हाँ, ये जो आपके सामने सवाल हैं, ये सभी इस समय जो चल रहे हैं, ये अर्थव्यवस्था इकोनॉमी के सवाल है। अगर प्रश्न नंबर 24 की बात करें तो बहुत ही सही आपने बताया है, ये खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना था, सी वालों का जवाब यहाँ पर सही है। हम बढ़ रहे हैं नए सवाल की तरफ जो आपके सामने है, निम्न कौन समिति FRBM अधिनियम से संबंधित है? डॉक्टर रघुराजन समिति, विजय केलकर समिति, विमल जालान समिति, NK सिंह समिति। प्रश्न नंबर 25 का जवाब सभी लोग दीजिएगा जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। जी हाँ, अगर प्रश्न नंबर 25 की बात करें तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा NK सिंह समिति, अर्थात सवाल का सही उत्तर होगा डी। निम्नलिखित में कौन सा संस्थान न्यूनतम समर्थन मूल MSP, MSP का फुल फॉर्म पूछा जाता है परीक्षाओं में, के बारे में भारत सरकार को सिफारिश करता है? नीति आयोग, नाबार्ड, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। जी हाँ, अगर प्रश्न नंबर 26 की बात करें, इस प्रश्न का उत्तर होगा कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, सी, नाबार्ड का फुल फॉर्म बताइएगा जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। अगर हमारे साथ नोट्स भी बनाते चलते हैं तो लिखते चलेगा कि नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होगा। अगला है आपके सामने, सीता अध्यक्ष का संबंध किससे, बहुत इंपॉर्टेंट है सीता अध्यक्ष, और सबसे बड़ी बात यह है इतिहास का सवाल एक तरह से है। यहां पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा भूमि कर से। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं, अगला है आपके सामने, कश्मीर के क्षेत्रीय इतिहास का सजीव वर्णन मिलता है किताबुल रेहला में, किताबुल हिंद में, तुगलकनामा में, रास तरंगड़ी में। जी हाँ, अगर प्रश्न नंबर 28 की बात करें तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर होगा रास तरंगड़ी, अर्थात सवाल का सही उत्तर होगा डी। सिजदा व पैबूस प्रथाओं की शुरुआत निम्न में से किसने की? अल्तुतमिश, बलबन, महमूद गजनवी, अकबर। बी, बलबन। ठीक है, नेशनल एग्रीकल्चर बैंक ऑफ रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड। जी हाँ, हेमंत जी ने बताया है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, सिजदा पैबूस प्रथा की शुरुआत किसने की थी? गयासुद्दीन बलबन ने। अगला है प्रश्न आपके सामने, उदबी कौन था? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, परीक्षा में बहुत बार पूछा जा चुका है, एक इतिहासकार, एक सैनिक, प्रसिद्ध शासक कौन था, जवाब जरूर दीजिएगा। जी हाँ, एक इतिहासकार। शेरशाह के बारे में कौन सा कथन असत्य, असत्य माने कौन सा गलत है, वही आपको बताना है। शेरशाह ने विलगना युद्ध विजय के बाद द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना दिल्ली पर की, सही है। शेरशाह ने उपज का 1/3 भाग कर के रूप में निर्धारित किया, ये भी सही है। शेरशाह का मकबरा दिल्ली में, ये गलत है। शेरशाह के द्वारा भूमि की पैमाइश हेतु सन की डंडी सिकंदरी गज का प्रयोग किया गया, ये सही है। तो यहाँ पे जो गलत है वही आपकी सही है, अगर आपने भी इस प्रश्न का उत्तर सी बताया है, ये आपके मन में इस प्रश्न का उत्तर सी आया है तो आपका जवाब सही है, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। किसी प्रसिद्ध शासक द्वारा अमुक्तमाल्यद की लिखी गई? देवराज द्वितीय, अच्युत देवराय, कृष्णदेव राय, देवराय प्रथम। प्रश्न नंबर 32 को सभी लोग जवाब देंगे, प्रश्न नंबर 32 की हम बात करते हैं, यहां पर होगा कृष्ण देव राय, इस प्रश्न का सही जवाब होगा सी। अगला सवाल है, दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में सर्वाधिक समय तक शासन निम्नलिखित में से किसने किया? बहलोल लोधी, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। प्रश्न नंबर 33 का जवाब सभी लोग दीजिएगा, यहां पर होगा बहलोल लोधी, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, मैं कहूंगा इसको एकदम रट लीजिएगा जितने भी लोग इस वीडियो को हमारे साथ पढ़ रहे हैं। हम बढ़ रहे हैं फिर से नए सवाल की तरफ, अगला है, कौन सा पदार्थ केंद्रक में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फास्फोलिपिड्स, डीएनए, बताइए सभी लोग
ये साइंस के सवाल हैं और यहाँ पर प्रश्न का उत्तर होगा प्रोटीन। अगर आपने भी सवाल के उत्तर बी बताए हैं तो आपके जवाब सही है। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया फ्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होती है? ग्रेना, स्टोमा, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। जी, अगर हम प्रश्न नंबर 35 की अगर यहाँ पे बात करें तो इस प्रश्न का सबसे सही उत्तर होगा ग्रेना। ए इस प्रश्न का सही और राइट आंसर है। हम बढ़ रहे हैं नए सवाल की तरफ। हेलो फाइट्स होते हैं, सभी लोग जवाब दीजिएगा। हेलो फाइट्स होते हैं, ये पौधे जो बहुत अधिक मल वाले स्थान पर उगते हैं, वे पौधे जो शुष्क स्थान पर उगते हैं उन्हें जीरो फाइट कहते हैं। वे पौधे जो न तो बहुत शुष्क और न ही नम जगहों पर उगते हैं, वे पौधे जो लवड़ों वाली मिट्टी में उगते हैं, तो यहां पर जो लवड़ों वाले पौधों में उगते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? हेलोफाइट कहते हैं, अर्थात सवाल का सही उत्तर होगा डी। और आपने भी इस प्रश्न का उत्तर डी बताया है, लेकिन आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर। अगला है आपके सामने, कौन सा टेस्ट एड्स के लिए किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब ये बहुत बार आपको पूछा जाता है। देखिए, आप ऑनलाइन नोट समझने अगर कोई भी जानकारी चाहिए, ई-लर्निंग विद दुर्गेश के ऑफिस का नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये सभी क्लासेज मेरे द्वारा निःशुल्क आप सभी के लिए देशित में राष्ट्रित में है। पीसीआर, रिपा, CD4, एलिजा। देखिए, पीसीआर भी होता है, CD4 भी होता है, एलिजा भी होता है। यहां पर इस प्रश्न का उत्तर होगा डी। ठीक है, रिपा नहीं है। एड्स दिवस कब मनाया जाता है कमेंट कर बताइएगा। एआई डेस्क का फुल फॉर्म क्या होगा? इसका जरा फुल फॉर्म बताइएगा। फुल फॉर्म सब लोग फुल फॉर्म बताइएगा, AIDS एड्स का फुल फॉर्म। अगला सवाल, कौन सा रुधिर हुआ कि रुधिर प्लाजा में कोई एंटीबायोटिक नहीं होता? ए बी ए बी ओ। जी हाँ, 38 का जवाब की बात करें तो यहां पर होगा ए बी सी। अगला, ट्रिपल वैक्सीन DPT कौन सा एक नहीं होता है? डिप्थीरिया, पीलिया, प्यूटोसिस, टिटनेस। आसानी से इसका जवाब दे लेंगे आप। देखिए, डिप्थीरिया, पर्टोसिस, टिटनेस, पीलिया नहीं होता, मतलब बी। अल्फा कण का द्रव्यमान हीलियम के एक अणु के बराबर होता है, इसके आवेश किसके बराबर होते हैं? दो न्यूट्रॉन के, दो इलेक्ट्रॉन के, दो प्रोटॉन के, दो पॉजिट्रॉन के। दो प्रोटॉन के सी। अगला, न्यूटन के किस गतिकी नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है? न्यूटन के किस गतिकी नियम से बल का व्यंजन व्यंजक प्राप्त होता है? जी, अगर 41 की हम बात करें तो इस प्रश्न का उत्तर होगा बी, द्युतकी गतिकी नियम बी। सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन आदि पदार्थों की प्रतिरोधकता ताप बढ़ने पर क्या होती है? बढ़ती है, घटती है, पहले बढ़ती है फिर घटती है? बढ़ती है, ए। ठीक, हम नए सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं। किस तत्व का सर्वाधिक समस्थानिक होता है? लिथियम, ऑक्सीजन, यूरेनियम, पोलिनियम। पोलिनियम डी। हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? पानी, ऑक्सीजन, राख, बर्फ। प्रश्न नंबर 44 बताइएगा। पानी ए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं, अगला आपके सामने है। ग्रेफीन क्या होता है? कार्बन का मिश्र धातु, कार्बन का नैनो प्रतिरूप, कार्बन का संभारी, कार्बन का समस्थानिक। कार्बन का नैनो प्रतिरूप। विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? 7 मई, 12 जून, 9 मई, 14 जून। जी दी, वैसे जी आपके जवाब सही है पूरी तरह से। फेसबुक पे जो देख रहे हैं साथी वो भी शेयर कर दें। जी हाँ, प्रश्न नंबर 46 बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। 14 जून को रट लीजिएगा, परीक्षा में पूछा जाता है। विश्व रक्तदान दिवस निम्नलिखित को सुमेलित करना है। प्रश्न नंबर 47 आपके सामने है।
प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान गांधीनगर, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान पणजी, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान मैसूर, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान दिल्ली। अब आपको बताना इस प्रश्न का उत्तर क्या है, इसके मिलान के हिसाब से आपको सही जवाब देना है ताकि आप इन सभी प्रश्नों के जवाब दें और कमेंट बॉक्स तक कमेंट के साथ पहुंचें। सभी लोग, जितने भी लोग इस वीडियो को हमारे साथ देख रहे हैं, हम बढ़ रहे हैं नए सवाल की तरफ। इसके साथ ही डी, पंचरात्र का संबंध किस धर्म से है? ठीक है, और पंच तंत्र किसने लिखी? कमेंट बॉक्स में जाइएगा और कमेंट करके बताइएगा। पंच पंच तंत्र किसने लिखी? ठीक है, अगर हम प्रश्न नंबर 48 की बात करें तो यहाँ पे वर्षण दोष से संबंधित इसका ए वालों के जवाब यहाँ पे सही है। हम बढ़ रहे हैं फिर से नए सवाल की तरफ। ये आज का टॉप 50 प्रश्न थे जो यहाँ पे समाप्त हो गए हैं, तो आप लोग फटाफट अंदाज में जवाब भी देते रहिएगा। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर, एकमात्र भारतीय जिसे रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। वैक्टर रमन रामकृष्ण, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, वीएस नायपाल, हरगोविंद खुराना। वैक्टर रमन रामकृष्ण इस सवाल का सही उत्तर होगा ए। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट लेफ्टिनेंट शिवांगी स्वरूप बनी जो किस राज्य की रहने वाली है? बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। प्रश्न नंबर 50, यहां पर इस प्रश्न का उत्तर होगा ए। अगर आप लोगों ने इस प्रश्न के उत्तर ए दिए हैं तो आपके जवाब सही है। डेली क्लास पे आप सभी लोग दुर्गेश्वर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश से जुड़िएगा। जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, प्ले स्टोर पे जाकर टेलीग्राम को डाउनलोड करिएगा, जुड़िएगा। और ऑनलाइन क्लास नोट संबंध अगर कोई जानकारी चाहिए, ई लर्निंग विद दुर्गेश के ऑफिस के नंबर पर आप कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। ई लर्निंग विद दुर्गेश का ऐप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पे सभी क्लास और नोट्स आपको मिल जाएंगे। टॉप 50 प्रश्न जो थे यहाँ पे समाप्त हो गए, जो बाद में जुड़े प्रारंभ से देख लें। प्रतिदिन क्लास इसी टाइम पर होती है, आप लोग अपने मोबाइल में अलार्म लगा के रखें, और अगर आप कहेंगे तो प्रश्न को बड़ा लेकर आएंगे, और अगर आप कहेंगे हम थ्योरी की भी क्लास आपके साथ शुरू कर देंगे। लेकिन आप सभी लोग अपना साथ बनाए रखें, प्रतिदिन क्लास में टाइम से जुड़े, टाइम से लाइव रहें, ताकि हम अपने साथ आपको बेहतर करने के साथ साथ बेहतर की तरफ लेकर चलें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर करते रहिएगा। आप सभी का थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। हाँ, लाइक नहीं किया तो लाइक करिएगा, शेयर नहीं कर शेयर करिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करिएगा, और अगर वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो इलानी विद दुर्गेश को फॉलो करिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा। इसकी पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी जैसे ही क्लास खत्म हो। हाँ, टॉप 50 खत्म हो गए, थोड़ा सा हम जल्दी जल्दी स्पीड से बढ़ा रहे थे इसलिए जल्दी हो गए। मेरी क्लास की टाइमिंग आप लोग को यहाँ पर मिल जाएगी, शायद आपको पता होगा जितने भी लोग, ठीक है, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग इसको ध्यान से देख लें। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, अगली क्लास आपके लिए काफ़ी बड़ी होगी, तो आप लोग शेयर करिए, लोगों को और जोड़िए ताकि हम और बड़ी क्लास लेकर आएँ। थैंक यू सभी का। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू, बाय बाय। हाँ, थैंक यू, शेयर कर दिया आप लोगों ने। पंचतंत्र विष्णु शर्मा लिखा है, दिव्यांशी जी ने सही बताया, और आपका जीएससी का भी स्ट्रांग पकड़ है। आप लोग डेली टाइम पे आएंगे, ठीक है, लाइव रहेंगे और क्लास में जुड़े रहिए, सभी को जोड़िए, ठीक है। थैंक यू। थैंक यू।